तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य झा और आपका स्वागत है मेरी चैनल के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जूम मीटिंग को इजीली कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको छोटा सा जूम मीटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि जिसको भी जूम मीटिंग के बारे में नहीं पता उसको ये वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, जब भी आपको अपने पीसी या अपने फ़ोन में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फ्री में कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो आप उस समय जूम मीटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जूम मीटिंग यूज़ करने के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, जैसे कि आप जूम मीटिंग में मीटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो और आप दूसरे की मीटिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, और भी बहुत से बेसिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखते रहना। और दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में श्योरली पूछ सकते हो, और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो। सो हे गाइस, मेरा नाम आदित्य झा एंड यू आर वॉचिंग आदित्यूब ऑन यूट्यूब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं फटाफट अपने जूम मीटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जूम मीटिंग एप्लीकेशन में खुद की मीटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, खुद की मीटिंग क्रिएट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है, उस पर आपको टैप कर देना है। बाद में यहाँ पे एक ब्लू कलर के बटन में स्टार्ट अ मीटिंग है, इस पर आपको टैप कर देना है। फिर कुछ ही सेकंड में जिस स्पीड में आपका इंटरनेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही क्षणों में आपका मीटिंग क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, मीटिंग क्रिएट करना बहुत ईजी था, तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप इस मीटिंग में अपने फ्रेंड्स या जिसको भी कैसे इन्वाइट करोगे। तो दोस्तों, इनवाइट करने के लिए आपको एक सेकंड लास्ट में ऑप्शन है, उस पर आपको टैप कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक इनवाइट का ऑप्शन है, रुकिए मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ पे एक इनवाइट का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में नीचे में। फिर दोस्तों, आपको उस पर टैप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बहुत से एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सअप क्यों नहीं शो कर रहा है मुझे नहीं पता, तो इसके लिए यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है कॉपी लिंक पे, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से दोस्तों, मैं आपको व्हाट्सएप में कोई भी लिंक शेयर करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप लिंक अपने मीटिंग का शेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ फटाक से। फिर दोस्तों, आप जैसे ही लिंक शेयर करते हो और उस लिंक पे कोई भी इंसान उस पर क्लिक करता है, तो आप अगर उसके पास जूम एप्लीकेशन होगा तो डायरेक्ट जूम एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इनवाइट के ऑप्शन पे मैंने टैप करके कॉपी लिंक किया था, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही आप कॉपी लिंक करके कहीं भी अपने, जहाँ भी आपको शेयर करना है वो लिंक, जिसको आप मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहते हो, उसको कर सकते हो। सो दोस्तों, वापस मैं अपने मीटिंग के होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे आप टॉप पे जैसे एक जूम करके लिखा है उस पे टैप करते हो, तो यहाँ पे भी आपको अपना लिंक और यहाँ पे भी अपना मीटिंग आईडी मिल जाता है। दोस्तों, आप मीटिंग आईडी भी शेयर कर सकते हो, उससे भी कोई आपके मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप दूसरे की मीटिंग कैसे ज्वाइन करोगे। तो इसके लिए आपको टॉप में सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप मीटिंग आईडी डाल के भी ज्वाइन हो सकते हो, या तो उस मीटिंग के आप लिंक भी पेस्ट करके ज्वाइन हो सकते हो। या फिर दोस्तों, आपको अगर किसी ने उस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, जूम मीटिंग का लिंक शेयर किया है, तो आप सिंपली उस लिंक पे भी क्लिक करके इजीली जूम मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप शेड्यूल्ड मीटिंग कैसे बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको शेड्यूल मीटिंग के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई फ्यूचर में, यानी कल, आप कल 1:30 बजे कोई मीटिंग बनाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन शेड्यूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हो, सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपका बाय डिफॉल्ट जो भी आपका नाम रहेगा आप उसको भी एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आदित्य लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको नीचे, यहाँ पे आपको डेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप किस डेट पे अपना मीटिंग आप रखना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ्रॉम ऑप्शन, यानी आप कितने बजे से आप यहाँ पे अपना सेट करना चाहते हो, कितने बजे से आप अपना मीटिंग सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना मीटिंग का टाइम सेट कर सकते हो, यानी जितने बजे से आपको मीटिंग रखना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों, आपको टू का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कब तक आपको मीटिंग सेट करना है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप शेड्यूल मीटिंग बनाते हो तो उसमें आप 40 मिनट तक की मीटिंग ही बना सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइम जोन पे कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ऐप में आपका सेट रहेगा। फिर यहाँ से आपको वापस रिपीट में भी कुछ सेट नहीं करना है। फिर आपको आपके जो, अगर मीटिंग आईडी डाल के जो भी ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए आपको उसको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी है, तो वो यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे आप होस्ट का वीडियो ऑन ऑफ रखना चाहते हो, यानी अगर आप अपना वीडियो ज्वाइन करते ही ऑन या ऑफ रहेगा, वो भी आप सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर राइट साइड में डन का ऑप्शन है ऊपर में, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एक आखिरी लुक मिल जाता है आपके पूरी मीटिंग की डिटेल्स की, कब आपकी मीटिंग होने वाली है, फिर आपकी मीटिंग का जो भी नाम रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका सेशन यानी ड्यूरेशन कितने, मतलब मीटिंग कितने का रहेगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इनवाइट भी आप किसी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको इनवाइट कॉपी लिंक सबका ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए राइट साइड में एक एडिट का ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो अगर आपने गलती से कोई रॉन्ग डिटेल्स डाल दिया है तो आप उधर एडिट कर सकते हो, फिर वापस आपको डन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अगर आप शेड्यूल मीटिंग बना रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक अभी नहीं करना है, यानी अगर आप अभी मीटिंग करना चाहते हो तो अभी भी आप कर सकते हो, तो इसके लिए आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे अगर आप शेड्यूल मीटिंग बनाना चाहते हो तो नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको इनवाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप डिलीट भी करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाता है। फिर शेड्यूल मीटिंग करने के लिए आपको ऐड टू कैलेंडर के ऑप्शन पे टैप करना है और जो भी परमिशन मांगे उसको अलाउ कर देना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप ऐड टू कैलेंडर पर जैसे ही टैप करो तो आपके फ़ोन की डिफ़ॉल्ट कैलेंडर में आपको जाना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी मीटिंग शेड्यूल किया है जिस डेट पे, उस मीटिंग को आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ मैंने पहले भी यहाँ पे ट्राई करके देखा था कैसे शेड्यूल करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों आपका जो भी शेड्यूल मीटिंग है उसका आपको लिंक मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे अपना आप मीटिंग का रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, यानी आपको मतलब जिसको भी आप सेंड करोगे उसको इसका रिमाइंडर कब मिले, यानी मीटिंग ऐसा है उस रिमाइंडर का नोटिफिकेशन भी उसको पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप ये बात कर लेते हैं कि आप अपना जूम मीटिंग में स्क्रीन कैसे शेयर करते हो। तो अगर आपको नहीं पता स्क्रीन शेयर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करते हो जूम मीटिंग में मीटिंग के समय, तो आप अपने स्क्रीन पे जो भी कर रहे होगे उस समय स्क्रीन शेयर करते समय, तो आपकी मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो उस स्क्रीन शेयरिंग को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्क्रीन कैसे शेयर करोगे। तो इसके लिए ग्रीन कलर का नीचे बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ से एकदम नीचे से एक थर्ड लास्ट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अब आपका स्क्रीन शेयर होने लग गया। यहाँ पे आप पेन पे क्लिक करके आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्पॉटलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, पेन का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पेन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी लिखोगे आपके स्क्रीन पे वो सभी को शो करेगा जो जो आपका स्क्रीन शेयरिंग देख रहा है। दोस्तों यहाँ से आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हो, आपका स्क्रीन का जितना भी आपके लाइन जो है आपका पेन का, आप उसका विड्थ भी मतलब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हाइलाइटर का भी ऑप्शन मिल जाता है और अंडू रीडू का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे कुछ सेकंड्स का वीडियो देख लीजिए कि आप यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग करके यहाँ पे आप पेन से क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए एक राइट साइड में आपको ये जो छोटा सा लेफ्ट साइड में एक दो ऑप्शन दिख रहा था जिस पर आप पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक किए थे, अगर उसके बाजू में जो रेड कलर का एक ऑप्शन है अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आखिरी में आपको एकदम लो लेवल बेसिक बता देता हूँ जिसमें आप अपना माइक कैसे ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट साइड में एक माइक का ऑप्शन है, अभी वो ओपन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो अगर आप ऐसा रेड कलर का लाइन आ जाता है तो वैसे ही आपका वहाँ पे माइक शेयरिंग ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो उस पर टैप करके इजीली, फिर वैसे ही आप यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके अपना वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि आप मीटिंग जिस मीटिंग में हो उस मीटिंग से बाहर कैसे आ सकते हो। तो यहाँ पे राइट साइड में एक एंड का ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो अगर आप मीटिंग के ओनर हो यानी आपने अगर मीटिंग बनाया तो आपको ऐसा दो ऑप्शन आएगा जिसमें आप मीटिंग पूरा काट सकते हो, यानी अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हो तो पूरा मीटिंग ही क्लोज हो जाएगा, और अगर आप लीव मीटिंग पे क्लिक करते हो तो वो मीटिंग वहाँ पे चालू रहेगा लेकिन आप वहाँ से निकल जाओगे। और दोस्तों अगर आपने मीटिंग नहीं बनाया तो आप जैसे ही वो राइट साइड में जो एंड का ऑप्शन था आप उस पर क्लिक करोगे तो वैसे ही आप मीटिंग से बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ जूम मीटिंग के बेसिक्स जो आपको जूम मीटिंग यूज करते समय बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल आदित्यूब हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।